तो थोड़ा सा सोचिए, अजीब लग रहा है। तो एक किस्सा बताऊंगा 200 रुपए में मसूरी घूमने का, और शायद तुमको मजा आए इस किस्से को सुनने में। तो ये एक लाइफ का एक हिस्सा मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ, और शायद कॉमेडी भी लगे, पर बना रखा है मैंने ये खुद से, तो क्या पता आपको अच्छा लगे, और क्या पता आप कॉमेडी से मेरी इंजॉय हो सके। तो ठीक है, शुरू करता हूँ। तो क्या होता है कि एक बार जब हम लोग 12th पास करते हैं, तो लड़कों का सबका प्लान बनता है कि भाई यार कभी मिलना हो ना हो यार, अब एक बार मसूरी चलते हैं घूमने के लिए। तो सबका होता है कि हाँ यार मसूरी चलो भाई, कितने कितने रुपए, और 10 लड़के इकट्ठा होते हैं, कौन कितने कितने रुपए देगा। तो सबका होता है कि यार कितना दे कितना दे कितना दे, और एक थोड़ा सा ठीक ठाक के पापा बैंक में जॉब करते हैं, तो वो बोलता है कि सर यार 2-2 हज़ार में ठीक होता है, 2-2 हज़ार सारे के सारे जमा करवाते हैं। तो यार 2-2 हज़ार रुपये हमारे तो सुन के भाई फेफड़े से फटने लग गए। घर में बोलना ही बहुत बड़ी बात है। बोला ठीक है, सबने बोल दिया थोड़ा इज्जत रखने के लिए, हाँ अरे कोई नहीं कर लेंगे, 2 हज़ार रुपये तो है, ठीक है हो जाएगा ओके। तो ये तो बोल के तो आ गए कि चलो यार हो जाएगा 2 हज़ार रुपये, पर करना कैसे है वो काफी दिक्कत हो गई। तो ठीक है, वो बात आगे बताता हूँ। तो वहां से डन हो गया, और ऊपर से स्कूल में आपको चलता ही होगा कि अंडे मंडे का टोला, और उसके बाद अगर जो नहीं लेके आए एक बढ़िया सी गाली, तो एक ऊपर से वो कंडीशन भी आ गया कि गाली भी अगर नहीं लेके गए तो, क्योंकि जाना तो था ही, तब भी दोस्त हैं और इज्जत का सवाल भी था। तो चला गया जी घर। अब उधर इज्जत का सवाल है कि भाई यार 2 हज़ार रुपये महंगा नहीं, यार एक लड़के ने बोल दिया। तो मैं खाली नहीं था, और भी कई सारे लड़के थे कि जिनके लिए वो 2 हज़ार रुपये काफी महंगे पड़ने वाले। ठीक है, तो सीधा घर पे ये नहीं बोल सकता था पापा कि पापा यार मसूरी जा रहा हूँ 2 हज़ार रुपये चाहिए। कि अब डरते पड़ते पहले तो यार देख, हम लोगों का ये है कि मैं बाप के साथ जो है इस जनरेशन का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो बाप है क्या है ऐसे, ये इस तरीके से बात होती। तो जैसे कि मैं गया सामने, तो क्या हुआ कि पापा मसूरी जाना घूमने के लिए, तो यही काम रह गया अब कि सारे जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, और यार मन है मेरा भी, और उसके बाद दोस्त बोल रहे हैं कि न जाने कब मिलता है। तो दोस्त यारी में ही मर जाओ है, दोस्त यारी देख ले, खाना नहीं है क्या 2 हज़ार रुपये में? नहीं, 2 हज़ार रुपये वाली बात अभी नहीं आई है, जितना तो मसूरी जाएगा उतने के तो घर के क्या राशन नहीं आ जाएगा। सुनना भी पड़ेगा यार, क्या करें, बोल भी नहीं सकते पहले तो डरते हैं इतने। तो उसके बाद फिर ठीक है, तो बोला मम्मी उधर ही खड़ी थी, ठीक है इसको 200 रुपये दे देना कल। अब वो जो 200 रुपये बोला ना, तो 200 रुपये मतलब ऐसा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि... कि 200 रुपये में मसूरी घूम के आऊंगा, या लड़के बैठकर एक से एक प्लान बना रहे कि भाई गाड़ी बुक करके जाएंगे, उसके बाद वहां घूमेंगे, उधर जाएंगे, वो खाएंगे, उस बार आप प्रिपेयर हो रखा है पहले से, कॉफी में हिसाब लग रहा है इतने रुपए ये इतना ये खर्च करेगा, इतने से ये इंजॉय होगा, इतने का कैंटी फॉल का टिकट है, ये अलावा सब फिट हो चुका है वहां। और वो जब 200 रुपये की पाक से लगी है ना यहाँ पे, और फिर मैं चुपके से दबे पाऊँ इधर, मुंडी झुकाई कुछ नहीं बोला मम्मी के पास, मम्मी यार देख ले यार पापा यार बहन मसूरी जा रहा हूँ और 200 रुपये दे रहे। अब मम्मी मम्मी बहन माँ ने समझे तो कौन समझे, बोलते हैं ना कि माँ तो समझेगी समझेगी, तो माँ ने वही बोला चिंता मत कर मैं हूँ बस। मजा आया। उसके बाद छाती यह कि मम्मी ने बोल दिया कोई नहीं पापा चले जाएंगे, बाकी के 1800 रुपये तो बन गया अपने, मतलब 1800 रुपये नहीं, पर ये तो था कि मतलब मम्मी ने बोल दिया कि हाँ यार ठीक है। तो पापा चले गए ड्यूटी, उसके बाद मम्मी को बोला माँ यार चले यार पैसे दे यार, तैयार तो यार होके बिल्कुल टिच हो गया। अब असली ट्विस्ट यहाँ आने वाला है, ठीक है मम्मी गई बिल्कुल यार से पर्स की चेन, जैसे खोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते भी हैं घर पे यार माँ यार थोड़ा पैसे दे यार, माँ थोड़ा पैसे दे, तो आता नहीं है मूवमेंट, मम्मी खत अंदर जाएगी और अपने बड़ा पर्स से फिर अपना छोटा पर्स निकालेगी, उससे फिर यूँ चेन खोलेगी, दीवान से निकालेगी या फिर आलमारी से निकालेगी, तो वो मोमेंट आया यूँ खोला, और मम्मी ने कोई बात नहीं, मैं बोल मतलब बोलने वाला हूँ कि यार ठीक है ठीक ठाक पैसे देना, देख मसूरी जा रहा हूँ घूमने वूमने जाना, कुछ ले भी आऊँ। मम्मी ले जा तू 50 रुपये मेरी तरफ से भी ले।
ऐसे ही वहां पे भी मुंह 50 रुपए अब गढ़वाली फिर क्या बुनी तू और क्या 50 रुपए क्या खानी दी था। तो पापा पहले कैलकुलेशन मतलब उस टाइम जब खड़ा था मैं कैलकुलेशन आई पे कर दिए हरिद्वार से दे रहे दोनों का किराया 60 रुपए रोडवेज में ठीक है और वहाँ से मसूरी से दोनों से मसूरी 60 रुपए 40 रुपए 100 रुपए 100 रुपए बच गए तेरे पास खा पी के रहो क्या है किराया तो 100 रुपए में तो बहुत हो गया। अब ये तो कैलकुलेशन पहले ही मिल गई थी मेरे को ठीक है कि पापा की क्या कि किराए का 100 रुपए और 100 रुपए तेरे लिए इनफ हो गए बहुत ज़्यादा खा पी वो अपने जमाने के साथ हमको कंपेयर करते हैं ऐसे तो पता ही नहीं कि यहाँ यार क्या ये पिज्जा हट खा ये जाना है बर्गर खाना है अब क्या बोले बोला 100 रुपए तो बहुत हो गई हम तो वह 100 रुपए में वह पूरा पौड़ी बाजार घूम के आते थे और ऊपर से घर में 2 किलो जलेबी भी लाते थे। तो पापा यार वो टाइम कब का था अब पेट्रोल 127 रुपए की लीटर हो गया तो अब 50 रुपए सुन के मम्मी ने ऑलरेडी मेरे को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दर्द मतलब अचानक होता है ना दिल का भी देखा होगा आपने कि दुख तो यार आज मैं डरता था मैं कहीं हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा मुझे वही फीलिंग थी। अब गुस्सा भी किया जाए तो गुस्सा तो तब हो गया कि 1500 रुपए मिलते मेरे को और 500 रुपए नहीं मिलते तो मैं उधर 500 रुपए भी नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ तो बात 250 रुपए में अटक गई। फिर क्या बोलता दोस्तों को फोन करा तैयार तो वही रखा था हाँ भाई तू चल रहा है तो कोई ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि सब मेरी जैसे ही होंगे या सारे बैंक वाले की बेटी की तरह ही होंगे जो 2000 रुपए दे सकता है बोला यार मैं तो नहीं जा रहा कैंसिल है मेरी तरफ से मैंने फोन कर दिया रोहित को बोले क्यों अब मुझे पता था कि वो अपनी कैटेगरी का बन रहा है तो वो समझ सकता है इस बात को मैंने बोला यार बता दे को यही चक्कर है कि कोई और नाटक मत कर यहाँ पे कि पैसे पूछेगा यार अब तुझसे क्या छुपाते तो पता ही है भैंस यहाँ पापा भैंस की बोल रहे कि मैं फालतू का खर्चा क्या करना मसूरी घूम के कौन से तूने IPS बन जाना मैंने कहा यार अपना भी यही बताऊँ क्या 250 रुपये मिले बोला 250 रुपये मिल लगे मैंने हाँ बोला यार सच बताऊँ 200 मुझे भी मिल लगे मैंने कहा बट ठीक है बोलो चलो ऐसे करते हैं घूम के आते हैं बाहर शाम को मिल और चाउमीन खाएंगे दबा के मोमोज खाएंगे स्प्रिंग रोल खाएंगे ठेली भी दबा के। फिर मैंने बोला यार आइडिया तो सही है तेरा यार वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए कि 200-250 मेरे हो गए 200 उसके 450 रुपए हो गए अब ठेली में तो वह आएंगे दबा के भी खाएंगे और बच भी जाएगा। तो फिर प्लान कैंसिल हो गया कि चलो यार और बाकी वो गाली देते रह गए और हमने फोन ही नहीं उठाया और हम दोनों ने फुल एंजॉय किया। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता बेहजाई फैली हुई है अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो क्या तुमने कभी मरना नहीं है। तो ये सिचुएशन भी आ जाती है शायद आपकी लाइफ में भी आई होगी और घर वाले इतना जज करते हैं बच्चों को कि यार इतना क्योंकि अब जनरेशन बढ़ चुकी है अभी नई जनरेशन वालों माँ पापा जी प्लीज समझो और बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करने दिया करो। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हैं जो मतलब हमारे तरह नहीं है गंजेड़ी तो कुछ उन पे ध्यान भी देना चाहिए पर यार हम तो नशा भी नहीं करते थे और 250 रुपये में मसूरी घूमना बड़ा टफ था। तो ये था एक अभी फिर दिल दुखने लगे एक दर्द भरा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ा सा मेरी दर्द भरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर ज़रूर करना और एक दर्द भरा कमेंट अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।